नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। भाटापारा विधानसभा अंतर्गत आया एक अजीबो गरीब मामला। ऐसे तो शायद ऐसी घटनाएं कई होती होंगी, लेकिन पुलिस का डर और रौब के सामने अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। लेकिन कहते हैं, सच को आँच नहीं, न्याय की आवाज दबती नहीं। अन्याय के खिलाफ जरूर बुलंद होती है और एक दिन न्याय की आवाज दमनकारियों के पसीने छुड़ा देती है। आज ऐसा ही एक मामला सामने आया है। सिमगा पुलिस पर कार्यवाही को लेकर एक शिक्षक रहे पीड़ित व्यक्ति ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जिला एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए भाटापारा से अमृत साहू की ये रिपोर्ट। मामला है विगत 5 अप्रैल का, जब पीड़ित हरीश यादव, जो पिछले कुछ समय पहले भाटापारा में कंप्यूटर शिक्षक के रूप में अपने जीवन के 14 साल दिए, जिनके कंप्यूटर पढ़ाए स्टूडेंट वर्तमान में सरकारी एवं निजी स्थानों पर कार्य कर रहे हैं, शिक्षक के रूप में हरीश यादव की पहचान है, जिनकी माली हालत ठीक नहीं होने के चलते सिमगा ब्लॉक अंतर्गत लिमतरा में एक इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में काम करते हैं, जहां विगत दिनों सिमगा थाना एएसआई ईश्वर टोप्पो एवं दो अन्य पुलिस वाले सिविल ड्रेस में नियम विरुद्ध शोरूम में अचानक दबिश दी और हरीश यादव पर जुआ सट्टा के आरोप लगाए और तलाशी के नाम पर बिना वारंट शोरूम के सभी सामानों को उथल पुथल कर दिया और फिर हरीश यादव को सिमगा थाना लाकर बैठा दिया गया, जहां पता चला कि किसी देवेंद्र साहू को पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन सिमगा पुलिस ये जान जाने के बाद भी ये आरोपी देवेंद्र साहू नहीं है, उसके बाद भी हरीश यादव को थाने में घंटों बैठा कर रखा, लगातार डराते धमकाते रहे। वहीं आरोपी देवेंद्र साहू के गिरफ्तारी के बाद हरीश यादव को ही मुचलका जमानतदार बनाकर पुलिस अपना बचाव करने का प्रयास में लगी रही। वहीं हद तो तब हो गई जब आरोपी देवेंद्र साहू को फोटो की जगह बेकसूर हरीश यादव की फोटो एक अपराधी की तरह मीडिया में वायरल कर दी गई, जो दूसरे दिन कई अखबारों एवं सोशल मीडिया में हरीश यादव की फोटो के साथ जुआ सट्टा अवैध शराब लिखे मैटर वाली खबरें वायरल होने लगी, जिसके कारण शिक्षक की सम्मानित छवि हरीश की धूमिल हो गई और लोगों के बार बार पूछने एवं कई लोगों के तानों के चलते एक बार मन व्यथित हुआ और आत्महत्या का मन बना लिया, जिसके बाद कुछ दोस्तों और परिजनों के द्वारा हतोत्साहित मन को उत्साह में बदला और न्याय की लड़ाई लड़ने की ठानी, जिसके बाद मीडिया से संपर्क कर हरीश यादव ने अपनी पूरी पीड़ा कैमरे के सामने रखी और जिला एसपी को लिखित शिकायत कर सिमगा थाना प्रभारी पुरुषोत्तम कुर्रे, एएसआई ईश्वर टोप्पो एवं अन्य दोषियों पर कार्यवाही की मांग की। साथ ही हरीश यादव ने बताया कि संबंधित दोषी पुलिस एवं अन्य दोषियों पर मानहानि का दावा करने की बात बताई। वहीं मामले में एसडीओपी सिद्धार्थ बघेल ने सिमगा थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने की बात कही। वहीं मामले में पुलिस गोलमोल जवाब देते दिखाई दे रही है। भाटापारा से अमृत साहू की रिपोर्ट। पूरा ये भाटापारा में भी वायरल हुआ, क्या कुछ सच्चाई, क्या आप सट्टा लिखते हैं? जी नहीं, ये सरासर इल्जाम है। अरे गलत मैसेज और गलत फोटो वायरल हुआ है। मैं पूरे पिछला 14 साल से कंप्यूटर टीचर था भाटापारा पे। किसी परेशानी के कारण, आर्थिक स्थिति सही नहीं है करके, मैं यहाँ से लिमतरा काम करने जाता हूँ शोरूम पे, जहाँ 3 शक के दायरे पे 3 पुलिस वाले आए बिना ड्रेस के और छानबीन किए, पूरे गल्ले सभी चीज़ों को तहस महस करके, बिना कुछ चीज़ जब नहीं मिला है उसके बाद भी मेरे को डरा धमका के वहाँ से उठा के लेके गया और थाने में बैठाने के बाद ये कहा गया मेरे से कि जब तक आरोपी नहीं आएंगे तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये सब उन्होंने कहा और बिना आरोपी के फोटो उन्होंने वायरल कर दिया, जो ये गलत है। कौन से और है पूरा मामला? ये थाना जो है वो सिमगा थाना लेके गए थे मेरे को, सिमगा से लिमतरा से। तो क्या आपके नाम से एफआईआर दर्ज हुआ? जी नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, सिर्फ बैठाया गया था मेरे को 2 घंटे तक और कुछ जब नहीं मिला, पूरा चेकिंग किए, मेरा आधार कार्ड के पूरा फोटो खींचे, बिना आईडी बिना इन्फॉर्मेशन के पूरा चेकिंग किए हैं, और जबकि मेरे द्वारा कुछ मिला नहीं गया, मेरा पर्स चेक किए, पूरी बॉडी चेकअप हुआ है, उसके बाद भी वो मेरे को उठा के लेके गए हैं। मेरे मना करने के बाद भी वो मेरा फोटो खींचे और मेरे मना करने के बाद भी सभी चीज़ों को छानबीन किए। आगे आप क्या करेंगे? आपकी प्रतिष्ठा भी यहाँ धूमिल हुई है। अब आगे मेरा एक ही है कि मुझे न्याय चाहिए। अरे जो मेरा फोटो बिना मतलब का जो वायरल किया गया है, वो जो भी है वो सब के लिए मैं कल के डेट पे एसपी ऑफिस में जाके शिकायत दर्ज करूंगा। अपना परिचय दे।
मेरा नाम है हरीश यादव, मैं रहता हूँ भाटापारा पे, नया पारावाद भाटापारा। जो 5 अप्रैल 2022 को थाना सिमला अंतर्गत लिंकरा में सट्टा लिख रहा है देवेंद्र साहू, इसकी सूचना थी वह उसमें सट्टे की कार्रवाई की गई है, जिसमें 600 रुपए का सट्टा पकड़ा गया उससे नकदी का। और इसमें जो रिपोर्टिंग हुई है, जो फोटो खींच के हरीश यादव का फोटो लगा दिया गया था, जिसको अभी हम जांच कर रहे हैं। और इसमें जो फोटो है वो औपचारिक रूप से थाने से नहीं रिलीज किया गया था, उसको एक पत्रकार जो सीतू जैन है उसने रिलीज किया था, और औपचारिक जो प्रेस विज्ञप्ति है वो नहीं छापी गई थी। और इसमें पत्रकार बंधु जो है वो फोटो जो उनको मिली उसका उन्होंने फोटो लगा दिया। सर, जब कार्रवाई हुई तो सिविल में पुलिस गई, जबकि पुलिस अधीक्षक साफ तौर पर सिविल की कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसको उठा के ले गए थाने के परिसर में उनका फोटो खींचा गया, तो किस प्रकार की कार्रवाई थाना प्रभारी या उस स्टाफ के खिलाफ की जाएगी? मैं इस संबंध में जानकारी और स्पष्टीकरण दोनों ले रहा हूँ थाना प्रभारी से, और आगे देखते हैं कि इसमें क्या खुलासा होता है। ऐसा थाना क्षेत्र में अनाधिकृत व्यक्ति को होना चाहिए? थाना उस थाने के अंदर तो नहीं रहना चाहिए। तो सर, बिना टीआई की जानकारी के फोटो कैसे ली थी सर? उसकी भी हम जांच करा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। सर, जो सिविलियन को उठाया लाया गया है, FIR में ना उसका नाम है ना किसी प्रकार से दूर दूर तक उसका संबंध है, उसके बावजूद उसको सर 1.5 घंटे बैठा कर रखा गया, धमकाया चमकाया गया पुलिस वालों के द्वारा, तो सर किस तरह की कार्रवाई थी, इस टाइप पर क्यों की पुलिस वालों? इसमें जो जमानतदार उनको बनाया गया था, तो कागजी कार्रवाई के लिए उनको बिठा के रखा गया था थाने। सर, 1.5 घंटे जमानतदार को बैठाया गया सर थाने में? जमानत के कागज बना रहे थे और जो प्रकरण का कागज था उसको बनाने में समय लगता ही है थोड़ा सा, तो उसमें प्रक्रिया के अंतर्गत उनको रखा गया था। सर, इसमें किस तरह की कार्रवाई हो सकती है अगर सिविलियन उसमें अगर शिकायत करता है? कार्रवाई जांच हम कर रहे हैं इसमें कि ये गलती कैसे हुई, किसी पुलिस वाले ने फोटो दिया है कि सिविलियन ने दिया है, वैसे तो अभी तक सिविलियन का ही नाम आ रहा है जिसने गलत फोटो रिलीज कर दिया था प्रेस में। ऐसी जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।